साउथ फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा फिल्म की जानेंगे हम कहानी। फिल्म की कहानी, महेश बाबू यानी माही कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं। इनके बाद वे अमेरिका में लोन एजेंसी चलाते हैं। वे कंपनी का सिर्फ मालिक ही नहीं है, रिकवरी एजेंट भी है। वे पैसे ना देने वाले लोगों से रुपए वसूल करते हैं। एक दिन वे कीर्ति सुरेश यानी कलावती से मिलते हैं। कलावती उनसे 10,000 रुपए का लोन लेकर उन्हें फंसाती है। माही कलावती को पहली नज़र में ही दिल दे चुके हैं, जबकि उनका दोस्त वेनिला किशोर उसे कलावती को लेकर वार्निंग देते हैं, पर माही की वे मानते ही नहीं क्योंकि वे कलावती के प्यार में अंधे हैं। माही कलावती के बारे में जानना चाहते हैं। वे वेनिला जाकर उनके पिता राजेंद्र नाथ से मिलते हैं, तो वे राजेंद्र नाथ से लोन अमाउंट देने को कहते हैं जो उनकी बेटी ने लिया है। फिर बाद में राजेंद्र नाथ को मालूम पड़ता है कि महेश को कोई दूसरा मकसद से आया है। इसके बाद की कहानी राजेंद्र नाथ लोन स्कैम और फॉल्स बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। कुल मिलाकर डायरेक्टर परशुराम पटेल की मूवी सरकार वारी पाटा की कहानी बैंक डिफॉल्ट के बारे में है। फिल्म बताती है कि कैसे प्रभावशाली लोग लोन चुकाने से बच जाते हैं। गरीब होते हैं तो शर्मिंदगी झेलते हैं अगर वे समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। महेश बाबू गरीबों की दशा बताते हुए मूवी में मोनोलॉग भी है जिन्हें सुनकर आपको निराशा ही होगी। महेश बाबू की कॉमिक रोमांटिक से लेकर एक्शन सीक्वल देखने को मिलती है। मूवी के डायलॉग भी दमदार नहीं है। फिल्म में कुछ बेस्ट मोमेंट है। कीर्ति सुरेश का किरदार कमजोर लिखा गया है, फिर भी एक्टर ने अपने रोल बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। फिल्म ज्ञान बांटती नजर आ रही है। कंपोजर यश थाम और सिनेमाग्राफिक मधिम का काम सराहनीय है। महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा की एक कहानी है। साउथ फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा फिल्म की जानेंगे हम कहानी। फिल्म की कहानी, महेश बाबू यानी माही कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं। इनके बाद वे अमेरिका में लोन एजेंसी चलाते हैं। वे कंपनी का सिर्फ मालिक ही नहीं है, रिकवरी एजेंट भी है। वे पैसे ना देने वाले लोगों से रुपए वसूल करते हैं। एक दिन वे कीर्ति सुरेश यानी कलावती से मिलते हैं। कलावती उनसे 10,000 रुपए का लोन लेकर उन्हें फंसाती है। माही कलावती को पहली नज़र में ही दिल दे चुके हैं, जबकि उनका दोस्त वेनिला किशोर उसे कलावती को लेकर वार्निंग देते हैं, पर माही की वे मानते ही नहीं क्योंकि वे कलावती के प्यार में अंधे हैं। माही कलावती के बारे में जानना चाहते हैं। वे वेनिला जाकर उनके पिता राजेंद्र नाथ से मिलते हैं, तो वे राजेंद्र नाथ से लोन अमाउंट देने को कहते हैं जो उनकी बेटी ने लिया है। फिर बाद में राजेंद्र नाथ को मालूम पड़ता है कि महेश को कोई दूसरा मकसद से आया है। इसके बाद की कहानी राजेंद्र नाथ लोन स्कैम और फॉल्स बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। कुल मिलाकर डायरेक्टर परशुराम पटेल की मूवी सरकार वारी पाटा की कहानी बैंक डिफॉल्ट के बारे में है। फिल्म बताती है कि कैसे प्रभावशाली लोग लोन चुकाने से बच जाते हैं। गरीब होते हैं तो शर्मिंदगी झेलते हैं अगर वे समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। महेश बाबू गरीबों की दशा बताते हुए मूवी में मोनोलॉग भी है जिन्हें सुनकर आपको निराशा ही होगी। महेश बाबू की कॉमिक रोमांटिक से लेकर एक्शन सीक्वल देखने को मिलती है। मूवी के डायलॉग भी दमदार नहीं है। फिल्म में कुछ बेस्ट मोमेंट है। कीर्ति सुरेश का किरदार कमजोर लिखा गया है, फिर भी एक्टर ने अपने रोल बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। फिल्म ज्ञान बांटती नजर आ रही है। कंपोजर यश थाम और सिनेमाग्राफिक मधिम का काम सराहनीय है। महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा की एक कहानी है। साउथ फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा फिल्म की जानेंगे हम कहानी।
फिल्म की कहानी महेश बाबू यानी माही कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं। इनके बाद वे अमेरिका में लोन एजेंसी चलाते हैं। वे कंपनी का सिर्फ मालिक ही नहीं है, रिकवरी एजेंट भी है। वे पैसे ना देने वाले लोगों से रुपए वसूल करते हैं। एक दिन वे कीर्ति सुरेश यानी कलावती से मिलते हैं। कलावती उनसे 10,000 रुपए का लोन लेकर उन्हें फंसाती है। माही कलावती को पहली नजर में ही दिल दे चुके हैं, जबकि उनका दोस्त वेनिला किशोर उसे कलावती को लेकर वार्निंग देते हैं, पर माही की वे मानते ही नहीं क्योंकि वे कलावती के प्यार में अंधे हैं। माही कलावती के बारे में जानना चाहते हैं। वे वेनिला जाकर उनके पिता राजेंद्र नाथ से मिलते हैं, तो वे राजेंद्र नाथ से लोन अमाउंट देने को कहते हैं जो उनकी बेटी ने लिया है। फिर बाद में राजेंद्र नाथ को मालूम पड़ता है कि महेश को कोई दूसरा मकसद से आया है। इसके बाद की कहानी राजेंद्र नाथ लोन स्कैम और फॉल्स बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। कुल मिलाकर डायरेक्टर परशुराम पटेल की मूवी सरकार वारी पाटा की कहानी बैंक डिफॉल्ट के बारे में है। फिल्म बताती है कि कैसे प्रभावशाली लोग लोन चुकाने से बच जाते हैं। गरीब होते हैं तो शर्मिंदगी झेलते हैं अगर वे समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। महेश बाबू गरीबों की दशा बताते हुए मूवी में मोनोलॉग भी है जिन्हें सुनकर आपको निराशा ही होगी। महेश बाबू की कॉमिक रोमांटिक से लेकर एक्शन सीक्वल देखने को मिलती है। मूवी के डायलॉग भी दमदार नहीं है। फिल्म में कुछ बेस्ट मोमेंट है। कीर्ति सुरेश का किरदार कमजोर लिखा गया है, फिर भी एक्टर ने अपने रोल बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। फिल्म ज्ञान बांटती नजर आ रही है। कंपोजर यश थाम और सिनेमाग्राफिक मधिम का काम सराहनीय है। महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा की एक कहानी है। साउथ फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा फिल्म की जानेंगे हम कहानी। फिल्म की कहानी महेश बाबू यानी माही कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं। इनके बाद वे अमेरिका में लोन एजेंसी चलाते हैं। वे कंपनी का सिर्फ मालिक ही नहीं है, रिकवरी एजेंट भी है। वे पैसे ना देने वाले लोगों से रुपए वसूल करते हैं। एक दिन वे कीर्ति सुरेश यानी कलावती से मिलते हैं। कलावती उनसे 10,000 रुपए का लोन लेकर उन्हें फंसाती है। माही कलावती को पहली नजर में ही दिल दे चुके हैं, जबकि उनका दोस्त वेनिला किशोर उसे कलावती को लेकर वार्निंग देते हैं, पर माही की वे मानते ही नहीं क्योंकि वे कलावती के प्यार में अंधे हैं। माही कलावती के बारे में जानना चाहते हैं। वे वेनिला जाकर उनके पिता राजेंद्र नाथ से मिलते हैं, तो वे राजेंद्र नाथ से लोन अमाउंट देने को कहते हैं जो उनकी बेटी ने लिया है। फिर बाद में राजेंद्र नाथ को मालूम पड़ता है कि महेश को कोई दूसरा मकसद से आया है। इसके बाद की कहानी राजेंद्र नाथ लोन स्कैम और फॉल्स बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। कुल मिलाकर डायरेक्टर परशुराम पटेल की मूवी सरकार वारी पाटा की कहानी बैंक डिफॉल्ट के बारे में है। फिल्म बताती है कि कैसे प्रभावशाली लोग लोन चुकाने से बच जाते हैं। गरीब होते हैं तो शर्मिंदगी झेलते हैं अगर वे समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। महेश बाबू गरीबों की दशा बताते हुए मूवी में मोनोलॉग भी है जिन्हें सुनकर आपको निराशा ही होगी। महेश बाबू की कॉमिक रोमांटिक से लेकर एक्शन सीक्वल देखने को मिलती है। मूवी के डायलॉग भी दमदार नहीं है। फिल्म में कुछ बेस्ट मोमेंट है। कीर्ति सुरेश का किरदार कमजोर लिखा गया है, फिर भी एक्टर ने अपने रोल बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। फिल्म ज्ञान बांटती नजर आ रही है। कंपोजर यश थाम और सिनेमाग्राफिक मधिम का काम सराहनीय है। महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा की एक कहानी है। साउथ फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकार वारी पाटा फिल्म की जानेंगे हम कहानी। फिल्म की कहानी महेश बाबू यानी माही कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं। इनके बाद वे अमेरिका में लोन एजेंसी चलाते हैं।
वे कंपनी का सिर्फ मालिक ही नहीं है, रिकवरी एजेंट भी है। वे पैसे ना देने वाले लोगों से रुपए वसूल करते हैं। एक दिन वे कीर्ति सुरेश यानी कलावती से मिलते हैं। कलावती उनसे 10,000 रुपए का लोन लेकर उन्हें फंसाती है। माही कलावती को पहली नजर में ही दिल दे चुके हैं, जबकि उनका दोस्त वेनिला किशोर उसे कलावती को लेकर वार्निंग देते हैं, पर माही की वे मानते ही नहीं क्योंकि वे कलावती के प्यार में अंधे हैं। माही कलावती के बारे में जानना चाहते हैं। वे वेनिला जाकर उनके पिता राजेंद्र नाथ से मिलते हैं, तो वे राजेंद्र नाथ से लोन अमाउंट देने को कहते हैं जो उनकी बेटी ने लिया है। फिर बाद में राजेंद्र नाथ को मालूम पड़ता है कि महेश को कोई दूसरा मकसद से आया है। इसके बाद की कहानी राजेंद्र नाथ लोन स्कैम और फॉल्स बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। कुल मिलाकर डायरेक्टर परशुराम पटेल की मूवी सरकार उवारी पाटा की कहानी बैंक डिफॉल्ट के बारे में है। फिल्म बताती है कि कैसे प्रभावशाली लोग लोन चुकाने से बच जाते हैं। गरीब होते हैं तो शर्मिंदगी झेलते हैं अगर वे समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। महेश बाबू गरीबों की दशा बताते हुए मूवी में मोनोलॉग भी है, जिन्हें सुनकर आपको निराशा ही होगी। महेश बाबू की कॉमिक रोमांटिक से लेकर एक्शन सीक्वल देखने को मिलती है। मूवी के डायलॉग भी दमदार नहीं है। फिल्म में कुछ बेस्ट मोमेंट है। कीर्ति सुरेश का किरदार कमजोर लिखा गया है, फिर भी एक्टर ने अपने रोल बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। फिल्म ज्ञान बांटती नजर आ रही है। कंपोजर यश थाम और सिनेमाग्राफिक मधिम का काम सराहनीय है। महेश बाबू की फिल्म सरकार उवारी पाटा की एक कहानी है। साउथ फिल्म के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरकार उवारी पाटा फिल्म की जानेंगे हम कहानी। फिल्म की कहानी महेश बाबू यानी माही कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो देते हैं। इनके बाद वे अमेरिका में लोन एजेंसी चलाते हैं। वे कंपनी का सिर्फ मालिक ही नहीं है, रिकवरी एजेंट भी है। वे पैसे ना देने वाले लोगों से रुपए वसूल करते हैं। एक दिन वे कीर्ति सुरेश यानी कलावती से मिलते हैं। कलावती उनसे 10,000 रुपए का लोन लेकर उन्हें फंसाती है। माही कलावती को पहली नजर में ही दिल दे चुके हैं, जबकि उनका दोस्त वेनिला किशोर उसे कलावती को लेकर वार्निंग देते हैं, पर माही की वे मानते ही नहीं क्योंकि वे कलावती के प्यार में अंधे हैं। माही कलावती के बारे में जानना चाहते हैं। वे वेनिला जाकर उनके पिता राजेंद्र नाथ से मिलते हैं, तो वे राजेंद्र नाथ से लोन अमाउंट देने को कहते हैं जो उनकी बेटी ने लिया है। फिर बाद में राजेंद्र नाथ को मालूम पड़ता है कि महेश को कोई दूसरा मकसद से आया है। इसके बाद की कहानी राजेंद्र नाथ लोन स्कैम और फॉल्स बैंकिंग सिस्टम के बारे में है। कुल मिलाकर डायरेक्टर परशुराम पटेल की मूवी सरकार उवारी पाटा की कहानी बैंक डिफॉल्ट के बारे में है। फिल्म बताती है कि कैसे प्रभावशाली लोग लोन चुकाने से बच जाते हैं। गरीब होते हैं तो शर्मिंदगी झेलते हैं अगर वे समय पर ईएमआई नहीं चुका पाते। महेश बाबू गरीबों की दशा बताते हुए मूवी में मोनोलॉग भी है, जिन्हें सुनकर आपको निराशा ही होगी। महेश बाबू की कॉमिक रोमांटिक से लेकर एक्शन सीक्वल देखने को मिलती है। मूवी के डायलॉग भी दमदार नहीं है। फिल्म में कुछ बेस्ट मोमेंट है। कीर्ति सुरेश का किरदार कमजोर लिखा गया है, फिर भी एक्टर ने अपने रोल बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। फिल्म ज्ञान बांटती नजर आ रही है। कंपोजर यश थाम और सिनेमाग्राफिक मधिम का काम सराहनीय है। महेश बाबू की फिल्म सरकार उवारी पाटा की एक कहानी है।